अनुज को आया होश। अनुज को देखकर अनुपमा हुई खुश। स्टार प्लस का शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि अनुज की तबीयत खराब होती है। अनुपमा अनुज को आशा भवन लेकर आती है। रात भर अनुपमा अनुज की देखभाल करती है और फाइनली अनुज को होश आ जाता है। अनुज के उठने के बाद अनुपमा ये डिसाइड करती है कि वो अनुज के सामने नहीं जाएगी, क्योंकि बार बार अनुपमा को देखने के बाद अनुज अपना आपा खो बैठता है। तो अनुपमा दूर से अनुज को ऑब्जर्व करती है। अनुज उठता है, सबसे पहले आशा भवन में चारों ओर देखता है कि कोई है या नहीं। इसके बाद अनुज वहाँ के जानवरों के साथ खेलता है, उन्हें खाना खिलाता है और अनुज स्माइल करता है। अनुज को स्माइल करते देखकर अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद आशा भवन के सभी मेंबर उठते हैं और वो आंगन में आते हैं। वो लोग अनुपमा को देखते हैं और अनुपमा इशारे से कहती है कि वो अनुपमा से बात ना करे। अब बाला जाकर अनुज के पास बैठ जाता है कि तभी वहां पर आशा की रोने की आवाज सुनाई देती है। अनुज आशा को अपनी गोद में लेना चाहता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो सिर्फ इशारे से कहता है कि वो आशा को गोद में लेना चाहता है। अनुज आशा को लेते ही कहता है आद्या, और अनुज ऐसे बिहेव करता है जैसे आशा उसकी आद्या है। अनुज के इस बिहेवियर को देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है, उसे आद्या की फिक्र होने लगती है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सच में अब आद्या नहीं रही या फिर वो अनुज को छोड़कर कहीं और चली गई है। अब क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए। और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।